ही अपना परिचय दे। जी रानी शर्मा मेरा नाम है। आप सागर की माँ? जी मैं सागर की माँ हूँ। आंटी सागर क्या पढ़ाई लिखाई घर में कभी करता था या कुछ किताबों को पढ़ता था आपके सामने? पढ़ता था कभी कभी, किताब पढ़ता था, मोबाइल में भी पढ़ाई करता था। वो क्या पढ़ाई करता था? यही सब देशभक्ति के बारे में, ये सब भगत सिंह को ज्यादा मानता था। जब हम बोलते थे उससे कि तुम बहुत ज्यादा भगत सिंह को मानते हो क्या, यही सब और कोई पढ़ाई नहीं है तुम्हारी, बोलता हाँ मुझे यही पढ़ना है। उनको ज्यादा मानता था, हमसे भी ज्यादा मानता था। अगर हम डांटते थे उसको कि फोटो लगाते हो तुम, पागल हो गए हो, तो बोलता हाँ हम तुमसे ज्यादा मानते हैं उनको, भगत सिंह को। उन्हीं के भक्त होके ये सब काम करेंगे। और फोन पे वीडियोस भी देखता था। हाँ देखता था। और भगत सिंह के बारे में हर चीज उसके पास, हर चीज उनके पास। वहां भी गया, जहां के भगत सिंह गए उनके घर गया, वहां भी घूम के आया, हमको दिखाया, मम्मी देखो फोटो, मैं यहाँ घूम के आया हूँ। कब गया था? आप हमको गलत समझते हो, हम गलत नहीं है। समझाती थी आप उसको? हाँ हम उसको समझाते थे कि यहाँ वहां मत जाया करो। कब से ऐसा कर रहा था? कब से ऐसा कर रहा था? हो गया, काफी समय हो गया। पढ़ाई लिखाई में घर में करता था क्या? डायरी भी लिखता था? हाँ डायरी एरी में भी पढ़ता था, बुक्स वगैरह भी थी। तो अपनी बातों को वो क्या डायरी में भी लिखता था कभी? हाँ लिखता लिखता था। अभी बेटी बता रही थी हमको, हमको मालूम नहीं था क्या बता रही थी बेटी? कि मम्मी डायरी में भी लिखता है। हमारे बच्चे को कुछ ना हो, बस वो जहां से गया है वही गलत रास्ता एक है, जो जहां से गया है वो बस वो, बाकी और कहीं से भी गलत नहीं, ना उसकी कोई सोच गलत है। और हम भी यहाँ बचपन से रह रहे हैं हम भी, और यहाँ पे के लोगों को भी, हर किसी से भी पूछ के देख लीजिए, बचपन से सब उसको जानते हैं कि कभी ना कभी तो व्यवहार इंसान का पता चल ही जाता है ना, जैसा होता है तो पढ़ाई में कैसा है, बातचीत में कैसा है, कैसे किसकी इज्जत करता है, हर चीज के बारे में पता है सबको। धार्मिक अनुष्ठानों में क्या वो कभी हिस्सा लेता था? पूजा पाठ करने करता था? भगवान को मानता था? भगवान भगवान को सबसे ज्यादा इन्हीं को मानता था, भगत सिंह को। क्या अब कहते हैं? वैसे हम मंदिर गए हैं तो मेरे साथ गया है दर्शन करने, मगर मानता भगत सिंह को सबसे ज्यादा वो। तमाम पूजा होता है, दिवाली भी बीती है, तो क्या उसमें वो पूरी तरह से रुचि लेता था? हाँ हाँ तब तो जोड़ा था उसने, अब दिवाली में पूजा किया था। और क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी योगी जी, हमारे बच्चा इकलौता है, उसको छोड़ दे, हमारे बच्चे को, उसको कुछ ना करे। हमारा लड़का बहुत अच्छा है इसलिए हम बोल रहे हैं। मगर जो संसद भवन के अंदर में वो कूदते हुए वीडियो आई, उसको वो देखा? तो किसी की साजिश है जो ऐसा किया है, वो गलत मकसद से नहीं गया है, मगर उसको बहाने से ऐसा किया गया है। मगर उसका दिमाग का ऐसा नहीं है कि वो गलत उससे गया हो अंदर, गलत तरीके से उसको वहां से भेजा गया है वहां पर, कौन भेजा होगा? जिसके संपर्क में होगा वही भेजा होगा उसको। बेंगलोर से क्या कनेक्शन है? बेंगलोर जाया करता था? वहाँ दोस्त इनका था, वो फेसबुक द्वारा
फेसबुक से दोस्ती हुई थी, उसी दोस्त से बात होती थी। क्या बातें किया करता था सागर? यही सब देशेस के बारे में, हम तो ऊब जाते थे उसकी बात सुन के। उसको डांटते भी थे कि तुम्हें कोई और काम नहीं है, तुम यही देशभक्ति की बातें किया करते हो। वहां ऐसा हुआ, उनके घर में रोटी नहीं मिल रही है, उनके घर में मम्मी देखो भूखे हैं, सब बड़े बड़े सब ये सब नहीं देखते हैं, और छोटी जो जिनके घर में भूखे सो रहे हैं, घर बिगड़े जा रहे हैं, घर गिरा दिए जा रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है कि आज भूखा सोया उसके घर में कितने दिन से खाना नहीं है। गलत गलत न्यूज़ दिखाते हैं, ऐसी ऐसी बातें हमसे करता था कि मम्मी ये सब क्या सही है क्या। तो हम उससे बहस नहीं करते थे कि तुम अकेले आदमी थोड़ी ना ठीक कर दोगे ये सब, इसलिए हम उससे बहस नहीं करते थे। बस एक ही बात समझाते थे कि तुम अपना जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। डायरी क्या आपके सामने कभी लिखा उसने? नहीं, मेरे सामने नहीं लिखा। एक फोटो सामने आई है 2015 से, वो डायरी लिखता था, अच्छा, उसको लेकर क्या कहेंगी? क्या रात लिखा में लिखता होगा जब हम सोते होते होंगे तभी। उसकी बहन ने क्या बताया? बहन भी यही जो उसको पता है उसने निकाल के दी थी, जिसको पता था कि हाँ ये सागर की डायरी है। पता लड़का है मेरा, वही मेरा सहारा है। उसको यहाँ रखने के लिए हमने बोला कि रिक्शा चलाओ सागर, तुम यहीं रहो, कहीं मत जाना। जैसे भी हो, हम जैसे भी रहेंगे रह लेंगे, मगर तुम मेरे साथ में रहो, कहीं मत जाओ। हमेशा हमने उसको यही समझाया, हमारे साथ रहो। दो दो ऑपरेशन मेरे हुए, हमने बोला कभी भी हमको कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ रहा करो तुम। हमेशा हमने उसको यही समझाया।